every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to हेलो एंड अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। चलें जी, करते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट। आज का व्लॉग कुछ यूँ ही है कि जो मैंने लास्ट से लास्ट व्लॉग डाला था ना, उसे आगे से मैं कंटिन्यू करूँगी। बस जो उसमें आपको मैंने बताया था कि सफ़ेद चनों का मसाला किस तरह बनाते हैं, तो जो एक्स्ट्रा चने थे ना, वो मैंने इस तरह जो मतलब बॉयल किए हुए थे साइड पर रख दिए, और इनको मैं आगे जाके इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, होता ये है हमारे घर में कि जब भी जो फ्राई के लिए ऑयल है, जैसे कि आज मैंने हाजिर के चिप्स फ्राई किए थे लास्ट वीडियो में, तो वो मैं अलग से निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि हम फ्राई वाला ऑयल जो है आम ऑयल के लिए इसके साथ मिक्स नहीं करते जिसमें हम सालन वगैरह बनाते हैं। तो जो मैंने ऑयल ये रख दिया, अब अगेन जब मैंने फ्राई करना होगा एक दो दिन में जब भी, तो वो इसी ऑयल को मैं इस्तेमाल कर लूँगी। बहुत ज़्यादा रीयूज़ नहीं करते, 2 to 3 times यूज़ करते हैं। कलर जैसे इसका चेंज होने लग जाए तब इसको जो है वेस्ट कर देते हैं। तो बस हुआ कुछ यूँ कि जो चने मैंने दोपहर को मसाले वाले बनाए थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा बन गए थे, तो जितने खाने थे इस टाइम तक खा लिए थे, और बाकी को ना मैंने इस तरह मैश कर लिया था। और इसके अंदर थोड़ा सा जो क्रश पिकल होता है, मतलब कि आम, एक तो आम बड़े बड़े अचार के जो पीसीज होते हैं वो नहीं, एक छोटा सा क्रश पिकल मिलता है, नहीं है, तो कोई भी अचार को आप मैश करके इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं हल्का सा फ्लेवर देने के लिए। क्योंकि ये जो चने थे इसके अंदर अब मतलब खुद ही प्याज टमाटर इन सारी चीज़ें मौजूद थी, तो इसको बस ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उन्हीं को मैंने मैश किया और अचार का मसाला डाल के सैंडविच इनको बना दिया। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि इनका आजकल डाइटिंग का जो है टाइम पीरियड चल रहा है, तो दरमियान में ऐसा टाइम पीरियड इन पर आता है, तो इस वजह से प्योरली आजकल रोटी नहीं खा रहे, सिर्फ मतलब कोई ना कोई मील, कोई स्नैक, कुछ इस टाइप का जो डाइटिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन हो। अच्छा, उसके बाद ये रात का टाइम था, हम ऊपर आ गए थे, और जो भी मेरे पास बास्केट थी ना पुरानी, जैसे कि लास्ट किचन में आप देखते थे ये इस्तेमाल होती थी प्याजों और कोई भी चीज़ स्टोर करने के लिए, तो कलर काफ़ी ख़राब हो चुके थे। बस उसके लिए मैंने एक स्प्रे पेंट मंगवाया था, और ये जो जूतों वाला स्टैंड है जिसमें मैंने जूते रखने, वो और जो ये प्याजों वाला स्टैंड है, इन सबको मैंने जो है ना एक जैसा मतलब कि ब्राउन कलर कर लिया रखे हुए, ताकि थोड़े से नया लुक ने अच्छे लगे। तो जो उसके पास हम सोसा गए थे, और ये सुबह 10 बजे का टाइम है, मैं हाजिर को स्कूल भेज के थोड़ी देर लेटी थी, और उसके बाद मैं उठी हूँ। सबसे नीचे पहले मैं जो है नीचे जो लाउंड्री वाले कपड़े थे वो लाई हूँ, और मैंने इनको जो है मशीन में डाल दिया है, और आज बनाने का इरादा है पुलाव। अच्छा, कुछ भी ना समझ आए तो चावल जो है बेहतरीन ऑप्शन होते हैं। हुआ कुछ यूँ ही है कि दाल बन रही थी, साथ मैंने चावल बना दिए हैं, तो सबने शौक से ना खा लेने। बाकी आप सब बताएं मौसम की क्या सूरत हाल है, यहाँ तो फिर शदीद गर्मी हो गई है, मतलब कि कहीं से भी नहीं लगता कि थोड़े अरसे के लिए मौसम अच्छा हुआ था, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सुबह जब हम किचन में आते हैं तो यकीन माने कुकिंग करते हुए या किचन का काम करते पसीने टप टप कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना गर्मी आजकल फिर पड़ने लग गई। कह रहे हैं कि दूसरा स्पेल जो है बारिशों का आ रहा है, बल्कि क्या कह रहे हैं, तकरीबन जो है आधे हिस्से में, मतलब सिंध के कुछ कुछ इलाकों में इंटीरियर साइड में बारिश शुरू हो भी चुकी है। वैसे इतनी सख्त गर्मी होने के बावजूद यही दुआ है कि अब बारिश ना हो, क्योंकि अब कहीं भी पानी का स्टोर होने की जगह नहीं है, और बहुत ज़्यादा ना बुरे हालात हैं इंटीरियर साइड के, या जो कच्चे इलाके हैं वहाँ के, जहाँ जहाँ से सैलाब गुजरे, क्योंकि लोगों के मवेशी घर हर चीज़ डूब चुकी है। तो अब दोबारा जो बारिशें हुई, तो दोबारा जो है वो बहुत ज़्यादा मसला शुरू हो जाना है। बाकी अल्लाह मियाँ बेहतर जानता है, वो इंशाल्लाह बेहतरीन करेगा। तो बस चावल भी हमारे बन गए थे, कोई पुलाव किसी चीज़ की मैंने आपको रेसिपी नहीं दी, क्योंकि इसकी रेसिपी जो है ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। बस साथ मैंने जल्दी जल्दी से सलाद काट ली थी। अच्छा, जो पुलाव या कुछ भी चावल का बनाएं, तो उसके साथ ये जो छोटी बारीक बारीक सलाद होती है ना, जैसे कचूमर सलाद कहते हैं, ये बड़ी अच्छी लगती है। पता नहीं आप सबका, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो ये मतलब दही में डाली हुई चावलों के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो बस जल्दी जल्दी साथ ही खड़े मैंने जो है अपने और भी काम निपटा लिया था, जिसमें रायता बनाना था और जो है सलाद जो है बनानी थी। सलाद बन चुकी थी। अच्छा, रायते का होता ये कि यूजुअली आम तौर पर हम जो धनिया और पुदीना तो वैसे इस्तेमाल करते नहीं है, रायते में धनिया, हरी मिर्चें और ज़ीरा वगैरह ना पीस के एक साथ ही एक कप में ना फ्रिज में रख देते हैं,
और जब रायता बनाना थोड़ा सा मसाला लेके आराम से बन जाता है, लेकिन आजकल वो ख़त्म हुआ हुआ था तो मैंने फ्रेश धनिया का बनाया। अच्छा, फ्रेश धनिया का बनाओ तो इसकी खुशबू ही अलग होती है और वाकई इसका टेस्ट जो है ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन जल्दी जल्दी फिर कभी अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे रो रहे होते हैं और खाने का टाइम होता है, तो जल्दी फ्रेश बनाना जो है मुश्किल होता है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही ढूँढा हुआ है कि जिस टाइम फारिग हों उस टाइम ही वो पीस के एक साथ ही है जो स्टोर कर लिया जाए। अक्सर लोग फ्रीज़ भी करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप फ्रीज़ कर लें तो वो फ्रीज़र में भी सही रहता है। फ्रिज में ये कि थोड़े कम दिन निकालता है, 5 से 10 दिन, और लेकिन अगर फ्रीज़ कर लें तो आप 20-25 दिन भी निकाल सकते हैं। तो देखें, चावल तो हमारे बहुत अच्छे से हो गए थे रेडी, और इस टाइम हाजिक भी स्कूल से आ चुका था और बाकी सबको भी फ़ोन कर दिया था, तो पापा को भी दुकान से कि आ जाए खाना खा लें। तो जी हुआ कुछ यूँ कि आज ना हमने घर पे बार बार शॉप खोल ली थी, ऐसा में कोविड की सिचुएशन में ना लास्ट 2 ईयर्स में, तो नाई, आपको पता है शुरू शुरू में सारे ही बड़े डरे हुए थे तो ये नाई पास भी इसको नहीं भेजते थे। तो स्पेशल जो कैंची वाला बाहर आया था ना, ये पापा से कह के मैंने उससे कैंची बनवाई थी, बालों वाली कैंची जैसे नाई के पास होती है सेम मैंने वो रखी हुई है। तो अक्सर ये होता है कि मैं हाजिक के बाल ना घर में ही काट देती हूँ, तो जो बाहर मतलब ये कटवा के तो आया था लेकिन उसने फ्रंट से ना बिल्कुल सही जो है शेप नहीं की थी बालों की, और वो पड़ते हुए आँखों में आ रहे थे, तो आगे से बस मैंने इसकी थोड़ी सी कटिंग कर दी है। बाल कटवाना इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, आप इसके मुंह की जो है ना उससे ही अंदाज़ा लगा लें। चलें जी, आज के व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।